हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। सो जैसे कि आप सबको पता है, हमने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी जहाँ पे हम 500+ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। पहले हमने पॉलिटी कवर की थी, उसके बाद हमने हिस्ट्री के तीनों कंपोनेंट कवर किए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। आज कुछ मिक्स टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल हम मैप बेस्ड वाले क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जो इन्वायरमेंट का और ज्योग्राफी का ओवरलैपिंग पार्ट है, उन टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लूनर एक्लिप्स अकर्स। तो यहाँ पे किसकी बात की है? लूनर एक्लिप्स की, या जिसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। कब होता है ये? पहले तो लूनर एक्लिप्स हमेशा फुल मून, ठीक है, फुल मून वाली नाइट पे होगा, एक बात। दूसरा, ये हमें कब देखने को मिलता है? जब अर्थ सन और मून के बीच आती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, व्हेन अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लैनेट्स विच हैव नो सैटेलाइट। तो यहाँ पे क्या पूछा है? दो ऐसे प्लैनेट जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। ऑप्शंस पे आते हैं, पहला है अर्थ एंड यूरेनस, अर्थ के पास सैटेलाइट है मून, ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है मरकरी एंड वीनस। सो मरकरी और वीनस दो ऐसी सैटेलाइट्स, दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मरकरी एंड मार्स, मार्स के पास दो सैटेलाइट्स हैं इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है वीनस एंड मार्स, मार्स के बारे में हमने अभी पढ़ा इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ डे एंड नाइट। तो दिन और रात किस वजह से होते हैं, या फिर अर्थ की कौन सी मूवमेंट की वजह से डे और नाइट हमें देखने को मिलते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से। सेम अगर क्वेश्चन होता कि जो सीजन्स में चेंज आती है वो किस वजह से होते हैं, तब आंसर होता रेवोल्यूशन की वजह से। डे और नाइट किस वजह से होते हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डायमंड रिंग इज द फिनोमिना ऑब्जर्व। अभी डायमंड रिंग कौन सा फिनोमिना है? डायमंड रिंग वो फिनोमिना है जो हमें सोलर एक्लिप्स के टाइम देखने को मिलता है। सोलर एक्लिप्स भी तीन तरह के होते हैं, एनुअल, पार्शियल और कंप्लीट। तो कंप्लीट सोलर एक्लिप्स के टाइम हमें डायमंड रिंग फिनोमिना देखने को मिलता है। होता क्या है, जब टोटली ट्रायल का टाइम आता है, या जब सन पे पूरी तरह से मून सन को कवर कर लेता है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स तब लगता है जब मून बीच में आ जाएगा सन और अर्थ के। तो जब मून पूरी तरह से सन को कवर कर लेगा, तब हमें पेरिफेरी पे क्या देखने को मिलता है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायमंड रिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कब देखने को मिलता है? ओनली अलॉन्ग द पेरिफेरल रीजन ऑफ टोटली ट्रायल। टोटली ट्रायल मतलब वो टाइम जब सन पे पूरी तरह से एक्लिप्स लग जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है निफे रेफर्स टू। अब ये निफे वर्ड किसको रेफर करता है? एन आई स्टैंड फॉर निकल, निकल मेटल, और एफ ई स्टैंड फॉर आयरन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये जो दो मेटल्स हैं ये कहाँ पे अबंडेंट हैं? इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ये दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं? कोर। तो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइसो सीजमल लाइन्स ज्वाइन प्लेसेस। अभी आइसो सीजमल लाइन्स क्या होती हैं? ये बेसिकली ये वो कर्व है जो अर्थ पे उन दो प्लेसेस को ज्वाइन करता है, या उन प्लेसेस को ज्वाइन करता है जहाँ पे सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हो। तो राइट आंसर क्या होगा? एक्सपीरियंसिंग वो प्लेसेस जहाँ पे सेम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया हो। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे क्या पूछा है? वो प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। ट्रांसपायरेशन हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। लास्ट ऑप्शन क्या है? एवेपोरेशन। इसमें लिक्विड डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है? गैस में। यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? कंडेंसेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एल्बिडो इफेक्ट वुड बी रिलेटिवली हायर इन। अभी एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, या जिसको हम रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए सरफेस भी कहते हैं? कोई भी बॉडी सन रेज को जो उस पर रेज पड़ रही हैं वो उनको कितना वापस कर रहा है, कितना उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एल्बिडो इफेक्ट। तो ये सबसे ज़्यादा हमें कब देखने को मिलता है? सुबह जल्दी और लेट इवनिंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। अब रीज़न क्या है इसका? इन दो टाइम्स पे एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है?
क्योंकि जो अल्बिडो इफेक्ट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है, और इन दो टाइम पे सनरेज सबसे ज़्यादा स्लांटिंग होती है, ठीक है। इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में एल्बिडो इफेक्ट ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज्ड इन ए इंडेफिनेट पीरियड इज कॉल्ड ए डेफिनेट पीरियड, ठीक है। ग्रुप स्टार्स का वो ग्रुप जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं उनको हम किस नाम से बुलाते हैं, कॉन्स्टलेशन, ठीक है। आपने सेवन सिस्टर्स के नाम सुना होगा, सप्तऋषि जिनको हम कहते हैं, उनको भी क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। ऐसा ग्रुप स्टार्स का जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्बन इज द डैश मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है, अर्थ के क्रस्ट में जो कार्बन है वो कौन से नंबर पे है, कितनी उसकी अबंडेंस है, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, तो कार्बन कौन से नंबर पे आएगा, 15th। अगर आपको पूछा होता मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा क्या है, तब आंसर क्या होता, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन 15th नंबर पे है। नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज, तो जो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है वो कौन सा है, किलोविया, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन होता क्या इंडिया में कोई एक्टिव वॉल्केनो है, तब आंसर क्या होता, इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, बैरन आइलैंड्स, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, किलोविया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फेयर। अभी इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो परफेक्ट बैठती है लिथोस्फेयर को डिफाइन करने के लिए। अब आपने तीन लेयर्स पढ़ी होंगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल भी कितनी होती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अब ये जो ऊपर वाली क्रस्ट है और ऊपर वाली मेंटल है, इसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो क्या आंसर होगा, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। अब आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है, नाइन्थ या टेंथ में टॉपिक, नाइन्थ या टेंथ का टॉपिक है। एक प्रोसेस होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ कम होती है, उसी वजह से वो ज़्यादा स्कैटर करता है, और यही रीज़न है जो हमें स्काई है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू। करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कम रहती है इसलिए ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, राइट आंसर होगा बी। इसके अलावा दो ऐसे टॉपिक्स आते हैं, पहला कि जो स्टार्स हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, एक, और दूसरा कि जो एक्चुअल सनराइज़ है, सनराइज़ से पहले ही हमें लाइट दिखना शुरू हो जाती है, उसका क्या रीज़न है, ठीक है, वो दोनों देख लेना। ये तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, सेम टॉपिक्स हैं तीनों ऑलमोस्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है वो कौन सी है, अरावली, ठीक, राजस्थान से हरियाणा तक ही फैली हुई है, अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नाथुला पास आर करेक्ट। नाथुला पास जो सिक्किम और सिक्किम को कनेक्ट करता है तिब्बत से, इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से सही कौन सी है। पहले आते हैं इट लिंक्स सिक्किम एंड तिब्बत, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, ये सही है। नेक्स्ट इज इट वॉज द मेन आर्ट्री ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। तो जो पुरानी सिल्क रूट थी, जो यूरेशियन ट्रेड का नेटवर्क था, उनमें उस नेटवर्क में नाथुला पास एक इंपॉर्टेंट ऑफशूट रूट था, ये भी सही है। नेक्स्ट इट वॉज री ओपनड इन द ईयर 2006। तो 1995 के पास इस रूट को क्लोज कर दिया था, बाद में इसको 2006 में ओपन किया और BPS पॉइंट बनाया गया, ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पास के रिलेटेड, सिर्फ जो इंडिया की सिटीजन्स हैं वही इस पास को अभी विजिट कर सकते हैं, वो भी गंगोत्री से एक प्रॉपर परमिट लेने के बाद, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज पीडोजेनेसिस। तो पीडोजेनेसिस हम किसको बोलते हैं, जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पीडोजेनेसिस, ऑप्शन ए। वैसे जो वेयरिंग होती है, जो सॉइल वॉर्न आउट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोजन ऑफ सॉइल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच रिवर इज नोन एज द वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा हम किसको कहते हैं, गोदावरी को, और गोदावरी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
विच फॉरिन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड? अंडमान आइलैंड जो कि इंडिया का पार्ट है, उसके पास सबसे पास कौन सी फॉरेन कंट्री लाई करती है? श्रीलंका तकरीबन 1508 किलोमीटर दूर है अंडमान से, म्यांमार तकरीबन 706 किलोमीटर है, तमिलनाडु सबसे पास है अंडमान के, बट यहाँ पे कौन सी पूछी है फॉरेन कंट्री? तो ये आंसर नहीं होगा। इंडोनेशिया तकरीबन 1506 किलोमीटर दूर है अंडमान से, तो राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल? बंगाल का सॉरो, इस नाम से हम कौन से रिवर को जानते हैं? रिवर दामोदर को। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ फ्लड्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्डमम हिल्स लाई अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ? अभी कार्डमम हिल्स जो कि वेस्टर्न घाट का एक एक्सटेंशन है, वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ठीक है, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, इस रीजन में। ठीक है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमें क्या देखने को मिलती है? कार्डमम हिल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? केरला एंड तमिलनाडु। और इनको कार्डमम हिल्स क्यों माना, क्यों जाना जाता है इस नाम से? बिकॉज यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन होती है? कार्डमम, इलायची की। ठीक है, आज के 20 क्वेश्चन रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे, कल हम ज्योग्राफी के अगले क्वेश्चन उठाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स उठाएंगे जो थोड़े मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैप्स हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो इन्वायरमेंट में और ज्योग्राफी में ओवरलैप करते हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, स्टे अपडेटेड, ताकि हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। थैंक यू।